रीवा में एक सेल्समैन दो मृतक व्यक्तियों के नाम पर कई महीनों से राशन ले रहा था, जिसके बाद सेल्समैन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस फर्जीवाड़े में पंचायत सचिव की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जवा के बीरपुर दुकान के सेल्समैन सुशील सिंह द्वारा गांव के दो मृतकों के साथ 21 परिवारों के नाम पर हर माह राशन हड़पने का मामला सामने आया है। खाद्य नियंत्रक राजेंद्र सिंह के मुताबिक केदारनाथ कोल और राम शिरोणी कोल की मौत हो चुकी थी, इसके बाद भी उनका नाम पोर्टल से नहीं हटाया गया और उनके नाम का राशन सेल्समैन स्वयं रख लेता था। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित सस्ते अनाज की दुकान में अरसे से सेल्समैन द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी। राशन का वितरण सही ढंग से नहीं किया गया और कई परिवारों के राशन को हड़प लिया जाता है। सेवा सहकारी समिति रिमारी की शासकीय उचित मूल दुकान बीरपुर के विक्रेता सुशील सिंह, इनके द्वारा गरीब हितग्राहियों का लगातार राशन ऑफलाइन दुकान होने के कारण निकाला जा रहा था। बीच में समुदाय द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, उसी दौरान जब जानकारी एकत्रित करने पहुंचे तो उसमें दो मृतक व्यक्ति मिले, एक केदारनाथ कोल और एक राम शिरोमणी कोल। इनका भी राशन लगातार 1.5 साल से निकाला जा रहा था और जब इनके परिवार से मिले तो वो बोले कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, हमें किसी प्रकार का कोई राशन नहीं मिला। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया, उन्होंने अपना 10 रुपये की स्टाम्प में हलफनामा दिया और अपना कथन दिया और ये कथन फूड इंस्पेक्टर, तहसीलदार जबा और थाना से हीरा सिंह और एक सिपाही की मौजूदगी में लिया गया है। तो इस तरह से ये मृतक व्यक्तियों का भी राशन डकारा गया है जो यहाँ इस दुनिया में नहीं है। नाम बताया मैं अपना, भाई नाम निकाला गया कि आप लोग को गल्ला मिल रहा है, हमसे पूछे मैं भाई बताया कि हमारा तो गल्ला मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए उनके जरिए आप लोग के जरिए हमको गल्ला मिला। हाँ, गल्ला निकल रहा है 1.5-2 साल पहले से, लेकिन हमको 10 महीने का गल्ला मिला है। जिंदगी बीत गए, मैंने गल्ला कभी नहीं मिला, जब से जानकारी मतलब आज 15-20 साल से गल्ला हमारे नाम का मिल रहा है, हमको कभी नहीं मिला। कभी जान हमारे कोरोना भी नहीं मिला, अब अभी जानकारी हुई मतलब जब जांच हुआ घर घर सबके यहाँ के मतलब को नहीं पाता तब जांच हुई, तब फिर अब सबको साल भर के लिए मतलब गेहूँ भर दिए हैं हम लोगों को, बाकी कुछ नहीं दिए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।